नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के सामने बताने वाले हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी के सामने लाइव इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को दबाकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बता दें दोस्तों कि अगर किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी आप सभी के सामने शेयर करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तो उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गाँव गाँव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी फॉर्म भरना है आपको ऑफिशियल विद्या से इस तरह से टाइप करना होता है, ठीक है। टाइप कर लेना है बिल्कुल आसान तरीके से। इस तरह से टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफिशियल विद्या, और इस तरह से हम क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब सेक्शन पे करीब यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म जरिए इसे 24 देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहीं पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद क्लोज या ओपन का सेक्शन मिलेगा, आपको क्लोज बिल्कुल आसान तरीके से कर देना है। क्लोज करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डिटेल्स आप बड़े ही आसान तरीके से देख सकते हैं लाइव। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, ठीक है, जो कि बड़े ही आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं, ये रहा नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों कि यहाँ पे लॉगिन सेक्शन देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन लॉगिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लॉगिन पर जैसे कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड से अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन अप्लाई ऑनलाइन देख सकते हैं क्लिक हियर बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना होता है, जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है यहाँ पे इंटेक्शन अच्छे तरीके से आपको करना है जांच, ठीक है। यहाँ पे लाइव आपके सामने देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कीप रेडी इन स्कैन डिजिटल इमेज, यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और दसवां का और इंटर का, और साथ ही यहाँ पे रेसिडेंटल का जो भी है वो यहाँ पे आपको कास्ट वगैरह सबका मार्कशीट लेके यहाँ पे रेडी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी है अच्छे तरीके से आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे हम लाइव आप सबके सामने शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे भरना होता है। चलिए हम भर लेते हैं फर्स्ट नेम, इस तरह से हम अपना नाम भर चुके हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मिडिल नाम होगा तो मिडिल भर सकता है, इसको ब्लैंक छोड़ें। लास्ट नेम यहाँ पे पूछा जाए तो लास्ट नेम में मेरा जो भी है वो लास्ट नेम हम इस तरह से टाइप कर चुके हैं, ठीक है। लाइव देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भर चुके हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, जो कि आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना होता है, तो चलिए हम भर के यहाँ पे लाइव दिखाने वाले हैं। इस तरह से हम अपना नाम मतलब आपका जो भी नाम होगा वो आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा वो भरना होता है, फिर आपका जो भी ईमेल आईडी होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम ईमेल आईडी भी भर लेते हैं, ईमेल आईडी भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, फिलहाल यहाँ पे जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो भी है अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। फिर आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड, तो पासवर्ड आप जिस भी प्रकार का लगाना चाहते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पासवर्ड लगा लेना है, चलिए हम पासवर्ड लगा देते हैं। इस तरह से पासवर्ड लगाना होता है, और एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देंगे किस प्रकार से पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब भी आप पासवर्ड लगाइए कुछ इस प्रकार से पासवर्ड लगाइए, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड एंटर कीजिएगा तो आपके सामने सारा जानकारी इस तरह से आपके सामने देखूंगा, ठीक है। इस तरह से आप भी पासवर्ड लगा सकते हैं, ये हम एग्जांपल के तौर पे दिखा दिए कि इस तरह से आपको पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है। तो ये जो भी जानकारी है दोस्तों हमने एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से भर चुके हैं। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह से लाइव इंटरफेस हो जाएगा, देख सकते हैं। कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन, योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली कम्प्लीटेड, प्लीज चेक योर ईमेल या SMS फॉर डिटेल्स, यानी कि कहा जा रहा है जो ईमेल है उसमें आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको पता ही है, मोबाइल नंबर भी आपको पता है, तो यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड को हम भर लेते हैं।
तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड हम भर चुके हैं। बाय द वे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट बटन पे क्लिक करके अपना बिल्कुल आसान तरीके से अपना जो भी डिटेल्स है उसको भर सकते हैं, यानी कि फॉरगेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक करें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो भी जानकारी है आप सभी के सामने यहाँ पे लाइव देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, प्रोग्राम डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट देखने को मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, करीब 4 स्टेप आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से भरना है। अगर आपको यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम करना है तो आपको ये सेक्शन को भरना है। अगर आप वोकेशनल यानी कि बीसीए एम्स बायोटेक वगैरह का आप फॉर्म भरना चाहते हैं, वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे वोकेशनल है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए अप्लाई नो बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अप्लाई नो बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास देखिए प्रोफाइल डिटेल्स और यहाँ पे डॉक्यूमेंट और यहाँ पे देखिए पेमेंट, इस तरह से आपके सामने सेक्शन ओपन हो पाएगा। यहाँ पे देखिए फादर नेम पूछा जा रहा है तो आपका जो भी फादर नेम होगा भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका मदर नेम पूछा जाएगा तो जो भी मदर नेम होगा वो यहाँ पे भरना होता है। चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से भरने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी पहले से अवेलेबल है और यहाँ पे मेल फीमेल जो भी सेक्शन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे पूछा कैटेगरी अगर है तो आपको यहाँ भर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे जनरल, यहाँ पे ईबीसी का मतलब होगा बीसी वन और जनरल तो आपको पता ही होगा, ओबीसी भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल बीसी वन में आते हैं इसलिए हम ईबीसी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप बीसी टू में आते हैं तो आपको करना क्या है, ओबीसी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको करना क्या है, फिलहाल हम यहाँ पे बीसी वन है तो ईबीसी सिलेक्ट कर लिए। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे भरना होता है, चलिए हम भर लेते हैं। इस तरह से मोबाइल नंबर भरने के बाद आपसे पूछेगा सब कैटेगरी में, तो यहाँ पे अगर आपका सब कैटेगरी नहीं है तो आपको नोट अप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। ठीक है, इस तरह से क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप असंकल्प श्रेणी से हैं, अगर हैं तो यस करना था, आपको नो बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है आपको सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे हिंदू हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अभी जो भी आपका धर्म होगा वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिहार स्टेट सेलेक्ट किए। फिर आपसे पूछेगा मूल प्रमाण पत्र का नंबर है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे हम नहीं हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, अगर हैं तो यस कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर यस कीजिएगा तो। ठीक है, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे नो बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आपके पास आधार कार्ड संख्या है, अगर है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, यस कर भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हम आधार नंबर नहीं देने वाले हैं, ना ही यहाँ पे आपके पास कोटा चयन का, यहाँ पे नो बटन पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये करीब इस तरह से आपको भरना होता है, जैसा स्टेप है हम आप सभी के सामने स्टेप बाय स्टेप जानकारी शेयर करें। ठीक है, ये रहा दोस्तों पर्सनल डिटेल्स। अभी हम यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड प्रेजेंट एड्रेस में, तो जो भी एड्रेस है हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सभी के सामने शेयर कर देते हैं। इस तरह से हमने एड्रेस को भर चुके हैं, देख सकते हैं लाइव। आप यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट होगा इस तरह से आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर आपका जो भी जिला होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट किया। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका पिन कोड, तो पिन कोड आपका जो भी होगा इस तरह से भरना होता है। ठीक है, भरने के बाद प्रेजेंट एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो आपको इस बटन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए हम इस बटन पर क्लिक किया, हमारे पास इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ चुका है। अब हम करते क्या है कि जो भी जानकारी है उसको अच्छे तरीके से जांच लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे कोई भी जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग वगैरह है उसको अच्छे तरीके से मिला लेना है, चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से जांच लेते हैं कि जो भी जानकारी वो 100% करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे जो भी दिया गया जानकारी वो 100% करेक्ट है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक। सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास इस तरह से लाइव इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे ही दोस्तों सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे दसवीं कब किए, तो दसवीं जो है हम 2020 यहाँ पे 2019 में पास किए तो हम 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं आपके सामने 2019 सेलेक्ट किए, किस वर्ष यहाँ पे जो है 2019 में मार्च में रिजल्ट दिया था तो यहाँ पे मार्च सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा बोर्ड, तो आपका जो भी होगा बोर्ड, जैसे कि ये मेरा यहाँ पे बिहार बोर्ड है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बिहार बोर्ड को अच्छे तरीके से यहाँ पे खोज लेते हैं किधर को है। देख सकते दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस तरह से हमने सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा रोल नंबर, तो आपका जो भी मैट्रिक का रोल नंबर होगा वो इस तरह से आपको भर लेना होता है, ठीक है। भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा कितना मार्क्स का जो है आपको यहाँ पे कितना मार्क्स आप प्राप्त किए। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हम जो प्राप्त किए 350 प्राप्त किए। अब आपसे पूछा कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम जो है 500 का हुआ तो उसमें 350 प्राप्त किए। इस तरह से आपको यहाँ पे 10वीं का डिटेल्स भरना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों की 12वीं का डिटेल्स किस तरह से भरना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है 12वीं का कब पास किए, तो 12वीं का 2021 में मार्च में पास किए, तो यहाँ सेलेक्ट किए। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि बोर्ड नेम, तो बोर्ड नेम आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पढ़ना यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कब आप जो है यहाँ पे आपका रोल नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम रोल नंबर को भर लेते हैं। इस तरह से भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा एसटीम यानी कि इंटर जो पास किए वो कौन से एसटीम से, साइंस कॉमर्स या आर्ट। तो फिलहाल हम यहाँ पे साइंस से कंप्लीट किए हैं इसलिए आप यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करिए। अगर आप एड से हैं तो आर्ट सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स से कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितना मार्क्स आप इंटर में प्राप्त किए, तो यहाँ पे जो है हम इंटर में 360 प्राप्त किए, तो 360 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। फिर आपसे पूछेगा कि इंटर में कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 500 भर लेना होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी जानकारी है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे जाँच कर लेना है। जाँच करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है एसटीम, ये एसटीम क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों ये जो एसटीम है दोस्तों यहाँ पे फिलहाल अब वर्क नहीं कर रहा है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी डिटेल्स अच्छे तरीके से देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं चूज प्रिफरेशन, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूर्णिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना यहाँ पे एडमिशन करवाना है, उसका यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए पूर्णिया में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पूर्णिया में आपसे जो भी कॉलेज होगा वो कॉलेज आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो फिलहाल हम इस तरह से जो भी कॉलेज है हम यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलेज सेलेक्ट किए, यहाँ पे हम बीएससी के लिए जो है एडमिशन कर रहे हैं, तो बीएससी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। बीएससी जनरल आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ऑनर्स करना है तो बीएससी सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो बीएससी हम सेलेक्ट किए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बीएससी में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो बीएससी हम सेलेक्ट किए। बीएससी सब्जेक्ट में हम यहाँ पे ले लेते हैं जूलॉजी, जूलॉजी लिए। उसके बाद इस तरह से आपके सामने देखो, फिर ऐड बटन पे क्लिक करना होता है। ऐड बटन पर जैसे क्लिक किया दोस्तों आपके सामने लाइव इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों फर्स्ट, करीब पांच यहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है पांच सब्जेक्ट में। तो चलिए दूसरा नंबर कॉलेज सेलेक्ट किए और दूसरा में जो है बीएससी करना चाहेंगे फिर से। और यहाँ पे देखिए इस कॉलेज में जो है यहाँ पे बीसीए भी होता है, आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में यहाँ पे जूलॉजी बटन सेलेक्ट किए और यहाँ पे ऐड बटन पर क्लिक किए। इस तरह से करीब जो भी कॉलेज हैं वो हम इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम सेलेक्ट, इसमें बीकॉम है इसलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, जिसमें बीएससी है उसमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे चलिए इसमें भी बीकॉम है, तो चलिए अब दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए बीएससी है, तो बीएससी सेलेक्ट किए। फिर यहाँ पे जूलॉजी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ऑनर्स में यानी कि बीए में वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जूलॉजी हम ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आपसे इस पूर्णिया में जो भी बीएससी का है यहाँ पे इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं करीब चार हुआ, एक और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी कॉलेज पूर्णिया, और यहाँ पे बीएससी सेलेक्ट किए और यहाँ पे जूलॉजी सेलेक्ट किए। इस तरह से ऐड बटन पे क्लिक किए, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं लाइव आपको यहाँ पे पाँच कॉलेज होगा और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पाँच कॉलेज को हम ऐड कर चुके हैं। करने के बाद आपको करना क्या है, सारा जानकारी सही रहने के बाद चेक करने के बाद आपको करना क्या है, सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है। चलिए सेवन नेक्स्ट बटन पे जैसे क्लिक करें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन आ चुका है। तो जो भी जानकारी है वो अच्छे तरीके से जांच लेना है, अगर अभी भी गलती है तो आप प्रीवियस करके ऐड कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी है वो 100% करेक्ट है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे पास इस तरह से लाइव इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है और यहाँ पे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट है, फोटो और सिग्नेचर है, यही आपको अपलोड करना होता है। चलिए हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल आसान तरीके से 300 KB में PDF के रूप में। आपको बता दें दोस्तों अपलोड करने से पहले आपको 300 KB में PDF के रूप में आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये PDF का 300 KB मैक्सिमम होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट है 300 KB मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, PDF के रूप में। तो चलिए जो भी जानकारी है उसको हम अच्छे तरीके से भर लेते हैं। दोस्तों बता दें PDF फाइल में अपलोड करने के बाद यहाँ पे एरर आ जाता है, इस वजह से आपको करना क्या है, JPG फाइल में आपको अपलोड करना होता है। तो JPG में जैसे ही अपलोड करते हैं दोस्तों आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम डेमो के
तौर पे आप सभी के सामने जो भी जानकारी है उसको अपलोड करके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं, दिखा रहे हैं आय का अपलोड किए, आय यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे इनकम जो भी है इनकम को यहाँ पे अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पे जो भी डिटेल्स है यहाँ पे देख सकते हैं, दो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होता है। फिर आपको यहाँ पे जो भी फोटो होगा जो कि 300 केबी का यहाँ पे होना चाहिए, चलिए फोटो को अपलोड कर लेते हैं। ये जो हम फोटो अपलोड करेंगे दोस्तों, ये डेमो के तौर पे यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। इस तरह से फोटो आपको अपलोड करना होता है। फिर आपका जो भी सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। चलिए जो यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। इस तरह से आपका जो भी जानकारी है इस तरह से आपको अपलोड करना होता है। ये जेपीजी में होना चाहिए, पीडीएफ लिखा है बट यहाँ पे वर्क जो है जेपीजी में कर रहा है, इस बात को ध्यान रखते हुए आपको करना क्या है, सारा जानकारी को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है लाइव इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर ले, अपलोड होने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपका पेमेंट कितना लगने को है। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहेंगे तो आपको इसी पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, जी हाँ दोस्तों बता दें, आपका जो भी नाम होगा, जो भी यहाँ पे फादर नेम होगा, जो भी मदर नेम होगा, और यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप आधार नंबर दिए होंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर शो करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पे देख सकते हैं डोमेसाइल यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है वो इस तरह से आपके सामने लाइव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने लाइव एड्रेस देखने को मिलेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे, आपका जो भी मेरा होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एग्जामिनेशन बोर्ड और यहाँ पे ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट और कितना नंबर यहाँ पे प्राप्त किए हैं, सारा जानकारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपके सामने देखने को मिलेगा। इसको अच्छे तरीके से जांच लेना है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, गलती है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहा क्या रहा है कि सब्जेक्ट एस्टीम साइंस, यानी कि इंटर में जो सब्जेक्ट लिए हैं दोस्तों, आप बता दें कि एडिट बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। एडिट बटन पर हम क्लिक किए, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में देख सकते हैं कि स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एकेडमिक डिटेल्स का, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स में यहाँ पे फिलहाल कोई यहाँ पे अदर सब्जेक्ट करके आपका जो भी सब्जेक्ट होगा इंटर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मतलब कि करीब पाँच यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको ऐड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए फिजिक्स का यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे दोस्तों, ये हो सकता है अभी नहीं कर रहे तो थोड़ा देर में करेगा। तो ए सब्जेक्ट एस्टीम को आपको जरूर यहाँ पे भर लेना होता है, ठीक है। अगर वर्क नहीं कर रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स इस तरह से भरने को मिलेगा, फिर जो भी जानकारी वो 100% करेक्ट रहने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फिलहाल जो जानकारी था वो मेरा पहले से कम्प्लीट है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ये मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड है पहले से, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी के सामने दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप एडिट करके सुधार कर सकते हैं। ये जो हम सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, ये आपकी कौन से सब्जेक्ट लेके अपना जो है एडमिशन लेना चाहेंगे, बीएससी में एडमिशन लेना चाहेंगे, बीए में एडमिशन लेना चाहेंगे, वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और जो भी सब्जेक्ट लेना चाहेंगे वो यहाँ पे देखने मिलेगा। सारा जानकारी आपको अच्छे तरीके से जाँचने के बाद आपको करना क्या है, क्लोज बटन पे और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट को कम्प्लीट कर सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी था दोस्तों, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिए कि अमाउंट कितना लगने को है और किस प्रकार से फॉर्म भरना है, सारा जानकारी हमने आप सभी के सामने शेयर कर दी। अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद दोस्तों। एक जानकारी और दे दें कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन और फॉर्म को कम्प्लीट कर लेंगे तो इस वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बता दें दोस्तों, जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, भर लेंगे, उसके बाद जो भी फॉर्म का लास्ट डेट था उस डेट तक आपको यहाँ पे जो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका मैट लिस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड कब आएगा वो इसी वेबसाइट पर और इसी पेज के माध्यम से आप सभी के सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही जानकारी आपके सामने शेयर कर दे ताकि आपको इस वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए दोस्तों, फिलहाल जो जानकारी था हमने आप सभी के सामने शेयर की, किस प्रकार से अपना फॉर्म भर सकते हैं और कितना पेमेंट कटने को है, सारा जानकारी आपने लाइव चेक कर चुके हैं और देख चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद। ध्यान रहे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।